पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी ने समुची मनुखता नू बराबरी अते प्यार दा पाठ पढ़ाया। हर एक नू अपने धर्म विच रह के जिंदगी दियां खुशियां मानन दी आजादी दी सिख्या दित्ती। पर इस दे उल्ट तुर्क अते मुगल हमलावर खुद नू अनोखे समझदे सन। वो दोनों हथां नाल मुल्क नू लुट रहे सी अते तलवार नू मजहब दी जुबान बना के हर एक जात उपर अपना धर्म थोप रहे सी। बिना रोक टोक लुट खसुट अते मार कुट दे इस समय विच धर्म परिवर्तन तो घबरा के कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर दे कोल मदद मंगन पहुंचे। तद 8 साल दी छोटी उम्र विच ही गुरु गोविंद सिंह ने कश्मीरी पंडितां दे पक्ष विच आवाज उठा के अपने गुरु पिता नू इस जुल्म दे खिलाफ लड़न दी किया। गुरु तेग बहादुर जी ने जुल्म दा सामना किया। उन्हां कश्मीरी पंडितां दे मनुखी अधिकारां ह्यूमन राइट्स दे लई जदों ये शब्द भी इजाद नहीं होया सी दिल्ली जाके अपना शीश दे दिता। पर धर्म परिवर्तन दा ये जुल्म रुकिया नहीं। दशमेश पिता दी जवानी दे नाल नाल ही इस जुल्म दे खिलाफ लड़न दा जज्बा भी जवान हो गया। उन्होंने अपने विचारां नाल अज्ञानता दे हनेरे नू अते अपनी तलवार नाल जुल्म नू मिटाण दा फैसला किया। श्री आनंदपुर साहब विच खालसा पंथ की स्थापना की अते पूरी मुगलिया हुकूमत नू चिंजोड़ के रख दिता। लोकां दे हक सच ते धर्म की आजादी लई उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिता। अपने 4 साहबजादे